अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जो मैंने पाँचवीं क्लास के जितने चैप्टर पढ़ाए वो आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे। आज हम आसान सिंधी का पाँचवीं क्लास के लिए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा सबक आज हम पढ़ेंगे, इसका सबक ट्यू। तो बच्चों, आपसे मैं एक बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप तीन दफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ लीजिए ताकि आपको जो भी मैं आज पढ़ाऊँ वो आपको ज़हन नशीन हो जाए और अल्लाह आपकी पढ़ाई में आपको मदद दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। शाह अब्दुल करीम भुलड़ी वालों, शाह अब्दुल करीम एक बुज़ुर्ग हैं, इनका पूरा नाम शाह अब्दुल करीम भुलड़ी वालों, इनका एक खिताब लकब था, इनको भुलड़ी वाला कह के पुकारा जाता था, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हन के शायर शाह करीम करी सडीदा आहन, हु 1538 ईस्वी माँ जाओ हो, हु अक्सर आलमन ए बुज़ुर्गन जी सोहबतन माँ गुजारींदो हो, आखिर हालन जी मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नू जो मुरीद थियो, उन जी सोहबत में रही रूहानी रंग माँ रंग जी वियो। सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह हैं जो थे शाह करीम करीम जा सडींदा हुआ, उनको शाह करीम कहकर पुकारा जाता था, सडींदा हुआ पुकारा जाता था। सो सन 1538 में वो पैदा हुए जाओ हो, पैदा हुए वो अक्सर आलमन ई बुज़ुर्गन जी सोहबत में गुजारींदा हो, वो अक्सर आलिमों और बुज़ुर्गों की सोहबत में अपना टाइम गुजारते थे, आखिर हालन जी मशहूर, और हाला एक जगह है, हालांकि एक मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नू मोहम्मद के मुरीद हो गए, उन जी सोहबत में रही, उनकी सोहबत में रहने की वजह से रूहानी रंग भी माँ रंग जी वे हो, रूहानी रंग में रंगे गए। शाह करीम डाडो इबादत गुजार हो, खुदा जी मखलूक जी खिदमत करण फर्ज समझदो हो, पाण की तकलीफ दई बेअन की आराम पहुँचाईंदो हो, बेअन जा अंज अंज अहंज एज़ा दूर करण लाए हर वक्त कोशा रहंदो हो, हू पोखे रही ऐं मेहनत मजदूरी करी पंहिंजी कुतुंब जो पालना कंदो हो। शाह करीम बहुत इबादत गुज़ार थे, खुदा की मखलूक और ख़िदमत करना अपना फ़र्ज़ समझते थे, पाण की तकलीफ़ दई खुद को तकलीफ़ देकर बैन जी आराम पहुँचाइंदो हो, दूसरों खुद को तकलीफ़ देकर, बैन का मतलब होता है दूसरों को आराम पहुँचाते थे। बेअन जा अहंज, अहंज कहते हैं तकलीफ़ को, ऐज़ा तकलीफ़ और मुसीबत को दूर करने के लिए हर वक्त कोशा रहते थे, वो भूखे रही ऐं मेहनत मजदूरी करी, खुद भूखे रह कर या मेहनत मजदूरी करके पंहिंजी कुतुंब, जो कुतुंब कहते हैं ख़ानदान को, अपना उनका पेट पालते थे, उनको पालना गंदो हो यानी उनकी खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। मेहमान नवाजी संदस ख़ास खूबी हुई, मेहमान नवाजी जो थी उनकी ख़ास खूबी थी, पाण के ना खाए आए बेन के खाराइंदो हो, खुद नहीं खाते थे और दूसरों को खिलाते थे। शाह करीम डाडो सादो नहतो सबर ऐं तहमुल वारो हो, कावड़ ता वटस ही ना काना है काना। शाह अब्दुल करीम जो थे डाडो सादो, बहुत ज़्यादा सादा तबीयत रखते थे, नेटो बहुत सादा तबीयत थे और नरम मिजाज थे, नेटो का मतलब है नरम मिजाज, सब्र और तहम्मुल वाले थे। कावड़ कहते हैं गुस्से को, गुस्सा कभी भी नहीं किया करते थे, केस कितनी भी तकलीफ़ें आईं उनका, कितनी ही तकलीफ़ें आईं पर हर हाल में सब्र ऐं शुक्र कंदो, और लेकिन हर हाल में सब्र और शुक्र करते थे, कडन बा परेशान ना थियो, कभी भी परेशान नहीं हुए, दीनवी कारोबार बा कंदो रहो, आई अल्लाह जी बानहन जी रूहानी इस्लाह भी कंदो रहो, दुनियावी काम दुनियावी, सॉरी ये दीनवी नहीं दुनियावी है, दुनियावी काम भी करते थे और अल्लाह जी बानहन, बानहन का मतलब होता है ग़ुलाम, हम सब जैसे अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं तो अल्लाह ताला के ग़ुलामों यानी इंसानों की रूहानी इस्लाह भी करते थे, केतरी ही मारहन संदस सोबत में रही काइंस रूहानी फैस भरायो, कितने ही लोगों ने माढ़न कहते लोगों को, कितने ही लोगों ने उनकी सोहबत में रहकर रूहानी फैज़ हासिल किया यानी रूहानी रूहानियत के करीब हुए, उनसे फ़ायदा हासिल किया। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी मुरीदन के हिदायत आई नसीहत करण वक्त कुरान शरीफ जो आयतू आई हदीसू बुधाए, शाह अब्दुल करीम जो थे अपने मुरीदों को, जो उनके मुरीद थे मानने वाले थे,
तो उनको हिदायत और नसीहत करते वक्त कुरान शरीफ की आयतें और हदीसों भी पढ़ के उनको सुनाया करते थे, केन समझानी उन जिंदो और उनको उसके बारे में बताया करते थे। वो सिंधी जबान जो बड़ो शायर बा हो, वो बहुत सिंधी जबान के जो थे बहुत बड़े शायर भी थे। संदर शेर आई रूहानी आई इखलाकी निकता नरवार के अल आहन। तो निकता नरवार का मतलब होता है ज़रूर, वो अपने इखलाकी संदर शेर अपने शेरों में रूहानी और इखलाकियत को ज़रूर बयान किया करते थे, लाजमी बयान किया करते थे। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ मैं जहाँ तक पढ़ चुकी हूँ आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, और पेंसिल ज़रूर हाथ में रखिएगा जिसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, और उस वर्ड को अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लफ्ज़ ज़रूर लिखें। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जो पेंजू मुरीदन के केल नसीहतों हिदायतों संदस हिक मुरीद कलमबंद किया है। शाह करीम ने अपने मुरीदों को जो भी नसीहतें की हुई, केल का मतलब होता है की हुई नसीहतों और हिदायतों को उनके एक मुरीद ने कलमबंद किया। एक मुरीद जो उनका मानने वाला था उसने कलमबंद का मतलब होता है उसको नोट डाउन किया, नोट डाउन करके उनकी एक किताब बनाई, पूरी जो भी उनकी नसीहतें और हिदायतें थी उनको जमा किया और एक किताब की सूरत में उसको कलमबंद किया, उसको लिखा। उन किताब जो नालो बयानुल आरिफीन आहे, जो किताब उनके मुरीद ने उन पर लिखी उसका नाम है बयानुल आरिफीन। इन किताब में शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जब कौल बा आया लाहन, और उसमें आपने जो जो फरमाया, कॉल कहते हैं उनके कॉल, उनकी ज़बान से जो जो उन्होंने कहा वो भी उसके अंदर मौजूद है। तसंदर बैत बा डिनल आहन, और उन्होंने अपनी बहुत सारी हमद नज़में भी बहुत सारी कही हैं। इनका सिवाय बेन बुजुर्गन जब कॉल कुरान शरीफ जो आयतों हदीसों आई बेन शायर जी जब फारसी आई सिंधी बैत बा आयल आहन। इसके अलावा संदस बैत बा डिनल आहन इनका सिवाय और उनके अलावा बेन बुजुर्गन दूसरे बुजुर्गों के कॉल कुरान शरीफ की आयतें हदीसें और दूसरे शायरों की फारसी और सिंधी हमद जो बैत हैं हमद हैं वो भी उन्होंने लिखी हैं। शाह करीम सन 1623 ईस्वी माँ अटकल 84 मतलब 86 वरियन यानी 86 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया। शाह करीम सन 1623 ईस्वी माँ अटकल 86 वरियन यानी 86 साल जी उम्र में वफात गई। केस भुलड़ी माँ दफन किए हुए, उनको भुलड़ी में ही दफन किया गया। भुलड़ी एक जगह है जहाँ पे वो रहते थे, वहीं पे उनको दफन भी किया गया। जितने हर साल मुकर्रर दिन ते मेलो लगंदो है, और हर साल इस जगह पे मुकर्रा दिन पर मेला लगाया जाता है। शाह करीम जो कबर संदस तड़पोती सिंधी जबान जी अजीम शाह शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ठहरायो का मतलब होता है बनवाई। शाह करीम की कबर जो है उनके तड़पोते का मतलब तो पोते का पोता, यानी जो उनका पोता था उनका भी जो पोता था उन्होंने बनवाई थी। सिंधी जबान जी अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ठहरायो, यानी जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई आपने सुना होगा उनका नाम, वो जो थे वो इनके पोते के पोते थे, तो उन्होंने उनकी कब्र बनवाई थी। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मैं अब आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी, और फिर भी अगर इसमें से कोई सवाल ना समझ में, जैसे आपने अगर चैप्टर पढ़ते हुए कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अब इसकी मशक आपको शुरू करवाती हूँ। तो बच्चों अब हम इसकी मशक शुरू करते हैं। मशक शुरू करने से पहले जो बुक किताब की मशक है उससे पहले मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे हैं, आपको इससे हेल्प हो जाएगी। अहंज दुख दर्द, कुतम खानदान, नहतो नरम मिजाज, पोखीरा ही खेती बाड़ी, कावड़ गुस्सा, तड़पोती पोते का पोता, ठहरायो बनवाया। ये मुझे काफ़ी मुश्किल लगे थे अल्फाज, जो मुझे लगा कि आपको उसके मीनिंग नहीं पता चलेंगे, तो इस वजह से किताब के साथ मैंने यहाँ पे भी कर लिए। किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप यहाँ से ले लें। अब हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। मश्क में सिर्फ 4 सवालात हैं और कुछ भी नहीं है, तो हेतियन सवालन जो जवाब दो। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह केड़ी सन में जाओ हो, शाह करीम कौन से सन में पैदा हुए। इसका आंसर ये है शाह करीम सन 1538 ईस्वी में जाओ हो, यानी 1538 ईस्वी में पैदा हुए। नंबर 2 है शाह करीम किनन जो मुरीद हो वो किसके मुरीद हुए।
शाह करीम हज़रत मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद हो। शाह करीम जो नसीहतूं कहिड़ी किताब में दर्ज आहन? शाह करीम जो नसीहतूं जी किताब जो नालो बयानुल आरिफीन आहे। सवाल नंबर चार है, संदस कबर किन्हनि ठहिरायो हो, उनकी कबर किसने बनवाई थी? शाह करीम जो कबर संदस तर पोते शाह अब्दुल करीम ठहिरायो हो, यानी उनके जो जो इनके पोते के पोते थे, तर पोती पोते के पोते थे शाह अब्दुल लतीफ, उन्होंने उनकी कबर बनवाई थी। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक का बहुत अच्छा समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की मुश्किल आती है आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें जवाब दूँगी। और उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट चैप्टर जब तक मैं करती, मुझे उम्मीद है आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जहन नशीन करेंगे। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।